और अहम खबरों पर अब बात कर लेते हैं वन कर्मचारियों की सामूहिक हड़ताल प्रदेश भर में वन विभाग के कार्यालयों के बाहर धरने पर बैठे हैं वनकर्मी सूत्री मांगों को लेकर ग्रीन आर्मी की पैन डाउन हड़ताल झालाना रिजर्व के गेट पर भी भारी संख्या में धरने पर बैठे हैं वनकर्मी भवन में भी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले धरने पर बैठे वनकर्मी मांगे नहीं मानने तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है वन कर्मचारियों की हड़ताल से वन और वन्य जीव संरक्षण बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मित निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं निर्मल जी अमूमन देखा नहीं गया है कि वन वन्य जो कर्मचारी हैं वो इस तरह से हड़ताल करें लेकिन यहाँ कोई पंद्रह सूत्री मांगे बताई जा रही है जिनको लेकर के हड़ताल की जा रही है सबसे पहले तो आपसे वो मांगे समझना चाहेंगे जिसको लेकर आज हड़ताल पर उतरे हैं देखिए शिका हड़ताल ये जो चल रही है सामूहिक हड़ताल ये 6 फरवरी से शुरू हो गई थी और प्रदेश का वन कर्मचारी अगर यहाँ बैठा है अपना मन महसूस के बैठा है क्योंकि ये वो लोग हैं जो वन और वन्य जीवों के लिए अपनी जान तक जिन्होंने दिया अपनी जान की कुर्बानी दी है महिला शक्ति यहां पर बैठी है तमाम ये वन कर्मी साथी यहां पर बैठे हुए हैं अगर अपनी पंद्रह सूत्रीय पर, पर नहीं बैठे बराबर वेतन दिया जाए पेट्रोल भत्ते की बात है मैस भत्ते की बात है वर्दी भत्ते की बात है दी जाए और दी जानी चाहिए देखिए सरकार का भी ये अंतिम बजट आने वाला है दस तारीख को इस गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है तो सबको आस बदी हुई है कि इनका भी कम से कम इनके जो प्रायोजन है इनकी

सरकार का ध्यान आकर्षित करने और वन प्रशासन को चेताने के लिए यह आह्वान किया कि हमने संभागवाइज़ सभी संपदा अधिकारी संघर्ष समिति ने हमारे प्रदेश के जो भी कार्यकारी सपाध्यक्ष हैं उन्होंने संभागवाइज मीटिंग ली उनके माध्यम से हमने प्रशासन को और कलेक्टर साहब के माध्यम से आयुक्त के माध्यम से सरकार को सारी सूचना मांगों को आप सरकार तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचा चुके हैं हमारे साथ और भी लोग हैं क्या कारण है और कल से आप लोग क्या करने जा रहे हैं क्या कोई इस तरह का पर, आपने जिस तरह की चेतावनी दी है कि तमाम टाइगर पार्क से, तमांग से, तमांग है तमाम सेंचुरीज है तमाम प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट एरिया उनको सबको बंद कर देंगे कैसे करेंगे और इसका निश्चित तौर पर वन और वन्यजीव संरक्षण पर इसका प्रभाव पड़ेगा और देखिए मेरे को जहां तक याद है हॉफ ने कल लेटर भी लिखा है तमाम मुख्य वन संरक्षकों को तमाम डी को कि आप पुलिस का सहायता आप स्थानीय प्रशासन की सहायता लें आप एनजीओ की सहायता लें क्या मजबूरी आपको यहां बैठना पड़ा और कल से किस तरह का कदम उठाएंगे आप लोग देखिए हम पिछले कुछ महीनों से हम संघर्ष कर रहे हैं जो हम हमारी जो वन कर्मियों की जो लंबित मांगे हैं वो रही है हम जो वन रक्षक हैं उनको पुलिस के समान वेतन भत्थे और जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिया जाना चाहिए हमने जंगलों में रह कर के बहुत संघर्ष किया है उसके लिए हम हार्ड ड्यूटी अलाउंस मैश भत्ता और जो तमाम इस तरह की जो हमारी जो मांगे हैं वो हमारे मांग पत्र में है उसकी हमने वन प्रशासन और हमने सरकार तक इनको पहुँचाने का प्रयास

पुलिस के सामान वेतन हार्ड अनाउंस बनता है भाई बनता है चौबीस घंटे की ड्यूटी करती है मेरी ग्रीन आर्मी साहब मान जाओ नहीं तो ताला ये लो मैंने तो आज से ही ताला लगा दिया है झालाना गेट इवन पूरे राजस्थान के ताला ये देख लो आप

और सरकार से यही निवेदन है हमारी मांगे पूरी करो नहीं हम अनुशासनहीनता में उतरेंगे देखिए जब किसी की जायज मांगे पूरी नहीं होती है ना क्योंकि हक है इन सब का, और भी हम इनसे अच्छा क्या आप लोगों की मांगे और किस तरह से कल आप लोग करने जा रहे हैं कदम उठाने जा रहे हैं हम सब मिलके पाँच साढ़े पाँच बजे यहाँ पे सब इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे सफारी पे आगे गेट के आगे सब खड़े होकर आंदोलन करेंगे और किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी और सरकार से हमारी यही मांग रहेगी कि हमारी मांगे पूरी करो नहीं तो ये अनिश्चितकालीन और भी बढ़ सकता है जरूरी नहीं है कि विधानसभा चल रही तब तक आगे भी हम इस पर बताएँ आप भी कुछ कहना चाह रहे हो बस मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहती हूँ हट धर्मी सरकार है या, या अपने होश में आ जाए नहीं आएगी तो ग्रीन आर्मी है चाहे आप स्वयं से, से काम कराओ या पुलिस से पर ग्रीन आर्मी का कोई काम नहीं कर सकता ये शेरों को बचाना हमारी ड्यूटी है हम ही करेंगे अब तो अब तो ऐसा लगने लगा शिखा जी कि एक वो वन्य जीव ही रह गए बाकी जो इनके समर्थन में सड़कों पर जी, देख पा रहे हैं नया तरीका अपनाया